पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदयताबो गुर हृदयताबो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरुण तरा पर पुन पुन शीश पुन पुन शीश बंदों बार बार जगदीश जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन का बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक सिख जड़िया साईं दास कर गुर नमो बैठ कर पास एक सिख जड़िया साईं दास परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसम पातशाहियां दे पावन प्रताक स्वरूप तख्त टबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके जून 1984 दे घल्लूघारे दे तीसरे शहीदी समागम दे अंदर सतगुरां नूं नतमस्तक होण तों उपरंत सत संगत करन दा
मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल करन दा श्रेष्ठ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। आप संगतां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी रागी जथे भाई साहब भाई जुझार सिंह जी दे जथे तों गुरबाणी दा बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। भाई साहब शब्द का उच्चारण कर रहे सन, जा कहो हर रंग लागू इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। कलयुग दे विच हरी दा रंग लगना ये हर एक दे बस दी गल नहीं। हरी नाम वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख दा है जो हर एक नूं हरे भरे करन वाला है, हर एक दे हिरदिआं नूं भी हरियां भरियां कर देण वाला है। शुभ गुणा शांति धीरज दैवी गुणा दे नाल उस वाहिगुरु परमेश्वर दे दर दा जिन्हां नूं प्रेम लग जाए, भाव प्रेम दा रंग चढ़ जाए, वह सूरमे हन कलयुग दे अंदर। जिन्हों परमेश्वर दे दर दा रंग लग जाता है वह फिर मौत तो निरभय हो जाता है। निरभव जपै सगल भव मिटै, मूल मंत्र दे विच वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणा दा एक गुण निरभव शब्द आया है कि अकाल पुरख वाहिगुरु निरभव है, जिन्हों किसी का भी डर भय नहीं है, बल्कि जिस दे भय दे सहत सारा संसार सारी सृष्टि करोड़ा ही खंडा ब्रह्मंडा का पसारा चल रहा है। इस करके उस ऐसे निरभव स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख का जेडे जाप करते हैं, क्योंकि जाप बिना सिमरन बिना वाहिगुरु परमेश्वर की भगती का रंग नहीं लगता है। अभ्यासी जन गुरमुखा नूं इस गल की ज्ञात है कि मन उत्ते बड़े तरह के साडे रंग लगे हुए है। संसार के पदार्थों की खिच का रंग भी चढ़िया होया है, दुनिया की माण वड्याई जस प्राप्त करन दे भी रंग लगे हुए हैं, पदवियां दे भी रंग लगे हुए है, और लोभ लालच दे रंग भी लगे हुए है, मोह आदक दे रंग भी लगे हुए है, पर ये कच्चे रंग हैं। कच्चा रंग कुसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो। भगती का पक्का रंग है लाल रंग, तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना हो बई नह लागे दागा। भगती का पक्का लाल रंग जिन्हां नूं चढ़ गया उन्हां दी अवस्था की है कि उन्हां दा मन वकारां दी मैल दे विच कदे मैला नहीं हुंदा, और कलंकां दे उन्हां नूं कदे वास्ते दाग नहीं लगदे हन, और वो मौत तो निरभय हो जांदे है। किसी का भी डर पै उन्हां नूं कदे वास्ते भी नहीं व्यापदा नहीं लगता है। महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं नूं 1 जून तो पहला जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहब नूं हिंदुस्तान की जालम फौज ने घेराबंदी करन दी तैयारी की हुई सी, उदों फिर सिंघां ने किसी गुरमुख ने पुछया सी कि महापुरखो तुहानूं महसूस तां हो ही गया, सारी गल दा इलम भी है कि जालम सरकार ने बड़ी भयानक तबाही श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते मचाउणी है, और एडे वड्डे जुर्माणिआं दा मुकाबला किवें करोगे, तुहाडे मन विच कोई डर भय नहीं आउंदा कि एडी वड्डी जदों हुकूमत हमला करन आएगी तुसीं उन्हां दे सामने ठहर पाओगे, रुक पाओगे, उन्हां दे हमले दे सामने खड़ो सकोगे। तां उदों महापुरखां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब वल अपने हाथ का इशारा करके सिंह नूं जवाब दिता सी कि सतगुरु जी की गुरबाणी की कृपा है, मेहर है, रहमत है, जाम गुरु होए वल तन है क्या गारब दिजे,
जाम गुरु हुए वल लख बाहे क्या कि जय। कहिंदे ओ सतगुरु मेरा बापू सतगुरु धन गुरु रामदास साहिब जी, मेरा बापू मेरा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, जिहड़े छे छे महीनों के घेरियां दे विच नहीं घबराए, चमकौर साहब की गढ़ी दे विच 22 लख दा घेरा जालमां दा पिया होया, केवल 40 सिंघां नूं नाल लैके जालम हुकूमत दा ते फौजां दा निरपैता नाल मुकाबला कीता। उस पिता सतगुरु दे आसरे भावें करोड़ां फौजां भी चढ़ के आ जाण, सानू कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और कोई सानू भय नहीं, ना ही सी उन्हां दे किसी भी तरह के हमले तो घबरावांगे। बढ़ के डट के मैदाने जंग विच जालमां दे सन्मुख उन्हां दे ऐसे लोहे दे चने चबा देंगे, सदा सदा लई उन्हां दे दंद खट्टे कर देंगे। दंद खट्टे किवें होए? 2 जून वाले दिन रणजीत दयाल, क्योंकि जदों दुश्मन फौज का जरनैल अपने मुकाबले वाले दियां सिफतां जां उन्हां दी मर्दानगी का बयान करे तां उह सब तो पुख्ता प्रमाण होया करदा है। इतिहास विच रणजीत दयाल लिखदा है अपनी पुस्तक दे विच कि असी 1 जून वाले दिन थोड़ा जिहा ट्रेलर वेखना चाहिया, साडी गुप्त CID अंदर गई कि वेखीए कि भिंडरांवाले संतां कोले किहो जे हथियार हन, किहो जिहा मुकाबला करन दी उहनां कोले फौजी शक्ति है, किहो जे जवान हन, किहो जे उहनां कोले हथियार और शस्त्र हन। कहिंदे असीं थोड़ी जी अपने वल्लों गोलाबारी करके वेखी कि अगों जवाब की मिलदा है, तां थोड़े समय बाद दुनालियां बंदूकां दियां गोलियां चलियां और छोटे मोटे होर हथियारां दे सिक्के साढ़े पास जदों डिगे, असी बड़े खुश बागो बाग हो गए कि भिंडरांवाला कैड़ी शक्ति दे उत्ते डींगा मारदा, कैड़ी उहदे कोले ताकत है, किहड़ा उहदे कोले हथियारां दा जखीरा है कि मैं 72 घंटियां दे विच विच फौज दे नापाक कदम हरिमंदर साहब दीआं परिक्रमा दे विच नहीं रखण देंगा, कि इहनूं तां असीं 2-4 घंटियां विच ही फड़ के गिरफ़्तार करके इंदिरा गांधी दे अगे पेश कर देंगे। कहिंदे इस गल नूं मद्देनज़र रखदिआं असीं बड़े उत्साह दे विच सां। असीं उस दिन अपनी फौज विच्चों 14 गुरसिख बंदे लभे, जिहड़े गुरसिख अमृतधारी बाणी पढ़न वाले सन, असी उहनां नूं संत बाबा जरनैल सिंह जी दे पास सारी खबर लैण वास्ते भेजिया, तैयारी करा के तुसी गुरसिख बंदे हो, सानू पता लगा सी कि जदों भिंडरांवालिआं नूं कोई गुरसिख बंदा मिलदा ना तां बड़े प्रसन्न हुंदे आ उस नूं मिल के। ओ असी इस करके सादे लिबास दे विच 14 बंदे अपनी फौज दे भेजे कि भिंडरांवालिआं नूं समझाया जाए, जे ओह ना समझण तां उहनां नूं दस्सिया जाए कि तुहाडे ते छोटा जिहा हमला नहीं होण वाला, तुहाडे ते तोपां टैंकां हवाई हमलिआं दी तैयारी है, और जेकर कहिंदे इस गल तों भी ना मन्नण, फिर एक ऑफर असी पाई सी, एक पेशकश कीती सी कि 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ जिन्ना रुपया चाहिदा असी देण नूं तैयार हैं, और जो भी तुसी चाहोगे असी कर देंगे, पर तुसी हरिमंदर साहब तो हाथ खड़े करके आ के गिरफ़्तार हो जाओ। कहिंदे साडी हैरानी दी हद हो गई जदों 14 बंदे अंदर उन्हां दे पास गए, तां कहिंदा भिंडरांवालिआं दा ऐसा प्रभाव उन्हां दे उत्ते जादूमई असर पिया, उह वापस मुड़ के नहीं आए, उन्हां दे पास ही रह गए। ये करनी कमाई वालियां पवित्र आत्मावां दा जीवन
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ CID ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਤ ਸਾਂ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 90,000 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2200 ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਨ। 2200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1700 ਜਵਾਨ ਐਸੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2200 ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਦਾਗੇ ਗਏ, 2200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2067 ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 900 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ 900 ਦਾ 900 ਜਵਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ।
और इत्थे इसे स्थान ते सियालां दे दिन सन महापुरखा सामने वाली जिहड़ी विद्यालय की बिल्डिंग है जिहड़ी आपां महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी की याद नूं समर्पित कीती है। इस दी सिखरली छत उत्ते महापुरखां नूं जकाम होया होया सी, सिंह जानदे उन्हां नूं जकाम छेती लग जांदा सी कुदरती तौर ते, ते महापुरख उत्ते छत ते धुप्पे आराम कर रहे सन। भाई गुरमुख सिंह जी नूं महापुरखां ने जिहड़े निजी गड़बई सन उन्हां नूं किसे पासे भेजिया और भाई मोहकम सिंह जी नूं महापुरख कहण लगे, मोहकम सिंह गर्म जल बना के लिया, थोड़ा गर्म जल छकीए, जुकाम दा ज़्यादा जोर है। भाई मोहकम सिंह कहिंदे वी मैं एक दो सिंह महापुरखां कोले छड के, उह वी उन्होंने कौतक रचाया उत्तों बैठे आई पौड़ियां थनी जिहड़ियां दर्शनी ड्यूटी दे नाल दीआं पौड़ियां, इह पौड़ियां थनी जदों थल्ले उतरिया तां सामने पार्क दे विच 6 फुट तों उत्ते 9-6 फुट तों उत्ते जवान कद वाला एक सिंह तेज़ कदमां नाल टहल रहा, बहुत तेजी तेजी। उन्हें सिंघां नूं बार बार कहा कि मैनू संतां नूं मिलाओ, मैं जल्दी मिलना, कोई जरूरी काम है, पर सिंघां ने रोक दिता कि महापुरखां दी सेहत ठीक नहीं, इस करके तू भाई अज मिल नहीं सकता। भाई मोहकम सिंह जदों थल्ले आए उन्हां नूं उह सिंघ मिलदा ते ओ सिंह कहिंदा भी सिंघा मैं संतां दे दर्शन करन आया, कोई जरूरी गल है, मैनू संतां नूं मिला। भाई मोहकम सिंह कहिंदे भी तुसीं सरदार साहब रुको, मैं महापुरशां लई गर्म जल बना के लै के चलिया, उन्हां नूं बेनती करके पुछदा जे ओ मिलना चाहुंदे है फिर मैं तुहानूं जरूर मिलावांगा। तुसीं कुछ समां 7 नंबर कमरे विच इक सिंह नूं कह के भी इन्हां नूं 7 नंबर कमरे विच बिठा के जल पाणी छकाओ, सेवा करो, मैं संतां दा सुनेहा लै के आउंदा हाँ। भाई मोहकम सिंह गर्म जल बना के महापुरशां कोले जदों लै के गए, संत कहिंदे मोहकम सिंह थल्ले इक सिंह आया, उहनूं रोकिया क्यों, उहनूं क्यों नहीं मिला रहे मैनूं तुसीं, इह अंतरजामता महापुरखां दी। गुरबाणी दा फरमान है जपजी साहिब जी दा, तिथै घड़ीऐ सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ीऐ सुरां सिद्धां की सुध। देवतियां वाली बुद्धि दा प्रकाश गुरमुख दे अंदर नाम जपदिआं हो जांदा, जिवें हथ ते औला रख के वेख लईदा, इस तरह सतपुरश नाम जपण वालिआं नूं हर गल दी ग्यात अंतरजामता हुंदी है। बहुत उहनां दी अंतरजामता दीआं मिसालां, इक नहीं बहुत। भाई इंद्रजीत सिंह जी वड्डे सपुत्र भाई ईश्वर सिंह जी का 73 विच जन्म होया, उस तों बाद महापुरखां दे छोटे सपुत्र भाई इंद्रजीत सिंह जी का जन्म होया। जदों भाई इंद्रजीत सिंह जी का जन्म होया उदों महापुरश कहण लगे, भाई मैं हुण घरे नहीं रहना, चले जाना, किसी नूं कोई इलम नहीं सी वी की कुछ वापरना, पहला ही उन्होंने दस दिता सी, कहिंदे हुण घरे नहीं साडे कोलों रहा जाना, हुण मैं चले जाना इत्थों। बहुत उन्हां दे बचन ऐसे है बेअंत, कई वारी सिंघां नूं ऐसे बचन करदिआं करदे सन सिंघ हैरान रह जाया करदे सन। सो भाई मोहकम सिंघ नूं कहिंदे वी थल्ले सिंघ आया उहनूं बुलाओ। भाई मोहकम सिंघ कहिंदे असीं पहलां कदे नहीं इह सिंघ नूं वेख्या सी, महापुरशां नूं मैं उत्थे उवें जल पाणी बाटे विच पा के दे के थल्ले आ गया, मैं आख्या सरदार साहब तुहानूं महापुरख याद करदे ऐ। जदों इह सिंघ उत्ते गए फतेह बुलाई ना, महापुरश पता की कहण लगे जरनल सुबेग सिंह जी नूं, इह कौण सी, इह जरनल सुबेग सिंह सन, कहिंदे सिंघा बड़े लम्मे समें दे तैनूं उडीक रहे सी, बड़ी देर ला के आया तूं साडे कोले। जनरल सुमेघ सिंह दीआं अक्खां विच अथरू आ गए, भज के चरणां नूं पै गया वी महापुरखो एड्डी वड्डी अंतरजामता, मैं तां पहली वार तुहाडे दर्शन कीते आ, तुहानूं किवें पता लग गया कि मैं तुहानूं मिलना चाहुंदा सी, तुसीं मैनूं इन्ने लंबे समें दे उडीकदे सी। सो फिर इक उहनां ने छोटा जिहा ब्रीफ केस अगे कीता, कहण लगे की है, कहिंदे नहीं महाराज मेरे दिल दी बड़ी शरधा सी,
भावना सी मैं कोई वस्तु महापुरशां लई की लैके जावां जिहदे नाल उहनां दी मैनूं प्रसन्नता मिल जाए। धार्मिक ग्रंथां दा वचन है वैद गुरु अर जोत सी तिनके पास जो जाए रिक्त पान ना जाइए फल दिए फल पाए। कदे वैद कोले हकीम कोले जोत सी भाव विद्वान कोले और गुरु कोले कदे खाली हथ नहीं जाना चाहिए। जदों भी भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में आओ खाली हथ मत्था नहीं टेकना भावें एक टके नाल ही मत्था टेक दे। संत बाबा अत्र सिंह जी मस्तू आने वाले जदों सचखंड श्री हजूर साहब वो भगती बंदगी करया करते सन तख्त साहब रोड दर्शन करन जाना तो एक ना एक फुल कितों तोड़ के लैके जाना मत्था टेकन नूं महाराज के चरणों में खाली हथ नहीं जाया करते सन। महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी जदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी जथे समेत तक श्री हजूर साहब गए दस दिन जथा रहा महापुरखों ने एक दिन कथा विच बचन किए भाई हजूर साहब जिहड़ा सिंह जप तप सेवा सिमरन करदा उन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दर्शन जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। संतां ने बेनती की महाराज साडी इच्छा है इत्थे रह के कुछ समा सिमरन भजन करिए। चा नाल होर भी सिंह नाल तैयार होए महापुरखां ने फिर माता साहिब देव कौर जी दे स्थान ते अपना सिमरन भजन आरंभ किया। लगातार कई महीने 22-22 घंटे भाई गुरदेव सिंह जी समान वाला जो कौम दे संघर्ष विच शहीद होए वह भी नाल सन 22-22 घंटे लगातार माता जी दे स्थान ते महापुरख मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास करते चौंकड़ा ला के और एक बेरी दर्शन करन हजूर साहब जरूर महाराज के चरणों में आते। गरीबी सी माया नहीं कोले सी रस्ते विचों दातन तोड़नी उहदा इशनान करा के तख्त साहब लिया के दातन महाराज नूं भेटा कर देनी। इन्नी भावना उन्हां महापुरखां दे हिरदे विच माता जी दे स्थान ते भी इस तरह दातना भेटा रोज़ जरूर करनी आ जदों मत्था टेकन जाना। सो साध संगत जी कहिंदे गुरु दे अगे भी कदे खाली हथ नहीं जाना। वैद गुरु अर जोत सी इनके पास जो जाए रिक्त पान ना जाइए। रिक्त नाम हुंदा हत्थां दा खाली हथ ना जाइए फल दिए फल पाए। कोई फल कोई भेटा जदों लैके जाओगे ना तो तुसीं खाली हथ नहीं उत्थों मुड़ोगे कुछ ना कुछ तुहानूं प्राप्त होएगा। जनरल सुबेग सिंह कहन लगे मैं महापुरखों नूं बेनती की महापुरखों वड्डियां कोले खाली हथ नहीं जाइदा महापुरखों कोले खाली हथ नहीं जाइदा। मेरे कोले बहुत शरदा भावना नाल मैं एक वस्तु लेके आया तुसी अंगीकार करो। उन्होंने अगे कर दिता ब्रीफ केस छोटा जिहा सी थोड़ा जिहा चुक के महापुरख देख के मुस्कुराउण लग पे। वो की सी वो जदों बंगलादेश जितया ना तो उत्थों दे फौजी जरनैल ने महापुरखां नूं अमेरिका दा बहुत वधिया किस्म दा पिस्टल सी वो जनरल साहब नूं इनाम वजों उन्होंने भेटा रूप में दिता सी। वह फिर जनरल सुवेग सिंह जी ने महापुरखों नूं वो निशानी सब तो उन्हां दी जो जिंदगी दी कीमती सी वो इत्थे भेटा कीती सी। साध संगत जी उस जरनैल का जीवन इन्हां दिनां विच विचारिया बड़ा जरूरी होना चाहीदा। उन्हां दी बहुत वड्डी कुरबानी है जे उन्हां दी ब्यौंतबंदी मोर्चाबंदी ना हुंदी कराउण वाले तां गुरु साहब ही है। क्योंकि साध संगत जी भगती भाव के अंदर एक योग भ्रिष्ट अवस्था आउंदी है। योग भ्रिष्ट किन्हां नूं कहा जांदा जिहड़े भगती भावना की साधना करते करते उन्हां दा तप उन्हां दे निजम उन्हां दी साधना पूरी ना होई होवे विचाले शरीर छड देन फिर दोबारा भगती भावना वाले चंगे उच्चे सुच्चे करनी वाले मापियां दे घर विच उन्हां दा जन्म हुंदा सुरत संभालण तो बाद फिर उत्थों दोबारा भगती की साधना शुरू कर लेंदे आ। फिर वो दोबारा पूरी साधना करके भगती की अपने जन्म नूं जम्मण मरण तो रहत करके फिर मुक्त हो के जांदे आ। उन्हां नूं योग भ्रिष्ट कहा जांदा है।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੌਣ ਮਰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਗਰ ਲੈਣ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਢੋਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 82 ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਯੋਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਤਪੱਸਵੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਆਨਾ ਮੋਕਸ਼ੰ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ 5000 ਪਾਵੇ ਦਾ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ 10000 ਇਹਦੇ ਫੌਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ 30000, ਮੇਰਾ ਬਲਖ ਬੁਖਾਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦ ਪਦਵੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਸਿੰਘੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ
मेरे श्वास निकल तो पहला पहला मेरा शरीर संतां कोले लै जाओ। खून नुचड़ रहा सी शरीर विचों, थां थां गोलियां लगिया हुई सन। सिंह बड़ी हिम्मत ते फुरती नाल चुक के अकाल तख्त साहब थले जिहड़ा भोरा साहब है उत्थे जरनल साहब नूं लैके आए। सिंघां ने संतां नूं दस्या भी जरनल सुबेक सिंह जी बहुत ज़्यादा फटड़ हो गए, तुहानूं याद कर रहे हैं। महापुरशां ने तुरंत आके जरनल साहब का सीस अपने सज्जे पट ते रख लिया ते उन्हां दे हाथ विच छोटा शस्त्र सी, दोनों हत्थां नाल महापुरशां वालों कीता ते कहिंदे महाराज मेरी अखीरली फतेह प्रवान करो। महापुरश कहिंदे जरनल साहब तुसीं चलो सचखंड नूं मगरे तुहाडे नाल आ रहे हैं, तुहाडे पास ही आ रहे हैं, तुसीं चलो महाराज दे चरणां विच असीं भी आ रहे हैं। महापुरखां दा वचन सी जरनल साहब धर्म दे युद्ध विच हथियार दुश्मन दे अगे सिट के समर्पित नहीं अपने आप नूं करना, हथियार तुहाडे कोल रहना चाहीदा जंग दे विच जूझदिआं होइआं, और ये शरीर धर्म दे लेखे अखीरले श्वास तक लग जाए। जनरल साहब ने वादा निभाया, वो शस्त्र संतां दे हत्थां विच दित्ता, सचखंड जाण लग्गिआ ने। सो एड्डी वड्डी कुरबानी उन्हां योधिआं दी जनरल सुबेग सिंह जी दी लासानी शहादत है संगत जी। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राख्यो चीत। कौन निभाउंदा कौन निभदा, थोड़ी थोड़ी गल पिछे बंदा छड के भज जांदा, घरदिआं नूं मित्रां नूं दोस्तां नूं अपने प्यारिआं नूं साथियां नूं। पर तानो गुरु के लाल गुरु के सिख जिन्हां ने जाना वार के महापुरखां दा साथ दित्ता। किन्ने क सिंघ सन, 200-250 सिंघ ही सी ना सारा, ते लखां दी फौज दे नाल जूझिआ। 6 दिन दा घमसाण दा जंग, जिहड़ी जालम हुकूमत जालम फौज दावे करदी सी 2-4 घंटिआं दे विच ही हरिमंदर साहब नूं कब्जे विच लै लवांगे। 6 दिन लगातार उन्हां दे नाल जंग होया। संतां ने 72 घंटे कहा सी, संतां ने 6 दिन लगातार ये धर्म दा जंग जालमां दे नाल कीता। और दूसरे सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन दे प्रधान अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी उन्हां दा भी संखेप रूप च, क्यों दिन दो ही रह गए, 4 ते 5 जून अपने पास जिहड़े शाम दे समागम है, 6 जून दा मुख समागम दिन दा ही है। जनरल सुबेग सिंह जी की भी संखेप रूप विच बेनती की है। अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी जो फैडरेशन दे प्रधान और महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी दे समय महापुरखों के जथे विच आए, आप जी ने यह सुभाग प्राप्त होया कि आप महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवालिआं दे वड्डे सपुत्र सन। संत बाबा करतार सिंह जी एक दिन कथा विच वड्डे साहबजादियां दा प्रसंग सुना रहे सी, शहादत दा प्रसंग सुनाया, ते उस तों बाद कथा करके इत्थे आए। आउंदिआं नूं अचानक भाई अमरीक सिंह अगे मिले संतां नूं, फतेह बुलाई। भाई अमरीक सिंह नूं गलवक्कड़ी विच लै के कहण लगे, हे कलगीधर पातशाह सच्चे पातशाह, तू धर्म की खातर अपने 4 लख ते जिगर 4 लाल वारे है, मेरे इस पुत्र नूं धर्म की खातर शहीदी जरूर बख्शियो। महाराज मेरा ये पुत्र तुहाडे धर्म की खातर जरूर कुरबान होवे, ये महापुरखों ने अरदास की सी साध संगत जी। धन भाई अमरीक सिंह जी, धन संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवाले महापुरख, और भाई साहब भी सिर तोड़ नभा के गए महापुरखों के नाल। एक एक कदम ला के उन्होंने कोई परिवार का मोह नहीं, कोई जायदाद की लोभ लालच की इच्छा नहीं। छोटे छोटे बच्चे सन, अपने बच्चों 2 जून वाले दिन प्यार दा दिलासा दे के आप आग्या कीती, कहिंदे तुसीं इत्थों चले जाओ बीबी हरमीत कौर जी नूं, असीं तां हुण महापुरखां दे हुकम विच इत्थे शहादतां देणियां। इन्ना मरण दा चा, शहीदियां देण दा चा,
इन्नी निरभयता खालसा मौत नूं मखौलां करदा सुनिया, पर इन्हां ने प्रतख दिखा दिता सानू इन्हां योधिया ने। सो साध संगत जी, ऐसे सूरबीर योधिया की मिठी याद, जथेदार बाबा ठारा सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी दे समय जथे विच आए, जथेदार जथेदारियां करनिया बड़िया सौखिया, निभना बड़ा औखा, बहुत औखा। किसे कारण संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने घूर के उन्होंने छुट्टी दे दिती सी बाबा ठारा सिंह जी नूं, क्योंकि जथे दे विच जदों जथा विचरदा सी उदों इस हैडक्वाटर की सेवा संभाल ली महापुरखों ने सिंघां दी ड्यूटी लाई हुंदी सी। सब तो पहला फौजी रणबीर सिंह जी जो थराज वाले सन, जो 13 अप्रैल 1978 नूं नरकधारियां दे नाल श्री अमृतसर साहब उस साके दे विच उन्होंने शहीदी दित्ती सी। उन्हां तों बाद महापुरखों ने इस महत्ते दा अस्थान दा प्रबंध दा ध्यान रखण लई, क्यों जथा महापुरख बाहर विचरदे सन, महापुरख बाबा ठाकर सिंह जी भी थोड़ा विचरे, ज़्यादा चिर इत्थे रहे, फिर पिछले समय विच उन्होंने देश विदेश दे विच बहुत वड्डा सिक्खी का प्रचार किया। तो महापुरखों ने फिर बाबा ठारा सिंह जी नूं इत्थे जिम्मेवारी दित्ती हुई सी। सो किसे कारण नाराजगी होई महापुरखों की, वड्डियां की जाना पिया, अपनी भुल बखशाउण वास्ते सामने जिथे हुण दर्शनी ड्योढ़ी बड़ी सुंदर गुरु साहब की कृपा नाल संगत दे सहयोग नाल बनी है, इत्थे बाबा ठारा सिंह जी बहुत अधीनगी दे नाल, मैं बयान नहीं कर सकता जिवें उह आए सन, बयान हो ही नहीं सकता जबान तो, इन्नी अधीनगी कोई नहीं कर सकता, इन्नी निम्रता, इन्नी निर्माणता। साध संगत जी अपने चेहरे ते कालख मल के आए सन ते बाहर आके खड़ गए सन, सिंघां ने जाके संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं दस्या भी बाबा ठारा सिंह जी आए है, महापुरख बड़ी छेती आए, सारी गल दसी, अपने परने नाल चेहरा साफ करके गलवकड़ी विच लै लिया, कहिंदे अपनी इत्थों दी प्रीत नहीं, सचखंड तक दा अपना प्यार निभेगा महापुरख, कहिंदे बाबा ठारा सिंह जी नूं। साध संगत जी धन बाबा ठारा सिंह साहब जी ने 3 पीढ़ियां जथे विच रह के संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरख, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा, संत बाबा जरनैल सिंह जी नाल रह के बड़ी वड्डी सेवा की। बजुर्ग अवस्था दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दियां बरूहां ते उन्होंने शहीदियां दित्तियां। ऐसे कौम दे कौमी जरनैलां दी मिठी याद आप ताजा कर रहे हाँ, समानी आग्या दंदा साध संगत जी उन्हां शहीदां दे कारनामे विचारदियां अगे तो अगे अगे तो अगे मन उस वहण दे विच चलिया जांदा फिर। सो उन्हां दे महान कारनामे सानूं विचारने भी चाहीदे। बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन, अपनियां बजुर्गां दियां जिहड़ियां विचारां साखियां इतिहास है उन्हों करना सुनना बड़ा जरूरी है, कर सुन के पढ़ के विचार के सानू भी प्रेरणा मिलती है कि साढ़े अंदर भी उन्हों वर्गा कोई एक अद्धा गुण आ जाए तो साडा जीवन भी सफला हो जाएगा। सो आओ भाई मन बिरती एकागर करो, धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के गुर इतिहास की कथा चल रही है। अज सतगुरु जी के चरणों में भाई साई दास जड़िया सिख ये दर्शन करन वास्ते आया, बहुत ही सुंदर छोटा जिहा प्रसंग है। मन बिरती नूं एकागर करके सारे आए हुए इतिहास की कथा सुनो, एक बारी सारे गज के आखो भाई वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक सिख जड़िया साई दास, साई दास जड़िया गोत है, जाति है, ये सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणों दे विच दर्शन करन आया है। कर गुर नमो बैठ कर पास, नमस्कार धन गुरु अर्जन देव जी दे चरणों विच करके सतगुरां दी हजूरी विच बैठ गया, सज गया, हाथ जोड़ अरदास बखानी, हाथ जोड़ के सिख ने सतगुरु जी नूं बेनती कीती बड़ी अधीनगी नाल निम्रता दे नाल,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਜੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ ਹਿਰਦੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਸਾ ਲਿਆ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਸੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬਈ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤੇ ਨਗਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਲਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੜਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧੰਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਸੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਹੰਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਧਾਰਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵੋ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਉ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਬੇ ਕੇ ਕਾਲ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿ ਮਨ ਠਹਿਰਤ ਚਪਲ ਵਿਸਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਾਲ ਚਪਲ ਚੰਚਲ ਹੈ ਮਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਬਸੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਓ ਮਨ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਠੋ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਗਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਜਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੁਣ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੁਭਾਵਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 18-18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਐਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਐਡਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਯਤਨ ਬਤਾਇਓ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮਨ ਗਤ ਕਉ ਅਬ ਤਉ ਲਖ ਪਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੜੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਤ ਨਾਮ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ,
शब्द सुनते हैं, पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, पता ही नहीं लगता बंदे नूं भी मेरा मन किधर नूं तुरिया होया। बंदा ऐसे भुलेखे विच जिंदगी कढ दिंदा, कहिंदे तैनू इन्ना तो पता लगन लग गया ना भी मन इधर नूं जा रहा, इधर नूं जा रहा, मन की गति मन की चाल का तैनू पता तो लग गया ना भी मन टिकदा नहीं है, मन एकाग्रता दे विच गुर शब्द विच नहीं जुड़दा है। पहला तो तेनू इन्ना भी ज्ञान इन्नी भी शुद्ध बुद्ध नहीं सी, टिका कर नहीं जानव सब लीनो, ए तू जान लिया ना सारा कुछ इन्ना चिर अभ्यास करके कि इन्ना समा टिक गया इन्ना समा नहीं टिकया, ये भी तेनू गुर शब्द की कमाई करके ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस बिद को पूर्व न चीनो, ए बेदी दा इस मन की हालत का इस तो पहला तू नहीं ज्ञान सी, तेनू देखिया नहीं सी मन की हालत नू, तू जानदा ही नहीं सी इस तो पहला। जदों तू साधन शुरू किया करदिया करदिया तेनू पता लगन लग गया कि मन इन्ना टिकया इन्ना नहीं टिकया, इस तो पहला तू इस हालत नू मन दी नू जानदा ही नहीं सी। जब मन जाए कितह लख पाव हो, मारा कहिंदे जदों हुण साधन दस रहे है जेड़े वो बचन उन्होंने दसिया सानू दस रहे हैं धन गुरु अर्जन देव साहब जी, ये अपने प्रथाए सारी कथा हो रही है, प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है, साडे सारिआं लई उपदेश है। नाम जपण वाले सतसंगियां दे नाल रोज़ ये कुछ वापरदा, उही उत्तर महाराज दे रहे हैं। महाराज कहिंदे जदों देखो ना कि मन बाहर नूं जा रहा है, मन नहीं जुड़दा है, तब तिस मिथ्या वस्त दिखावो, मन साध संगत जी जिहड़ा साडा ध्यान है ना, ध्यान किसे ना किसे वस्तु ते जाके टिकदा, मन दा ते कोई ना कोई हुंदा, ओ जिथे तक भी मन दौड़ेगा ना किसे ना किसे ते उत्ते जाके मन लग जांदा, किसे ना किसे ते नाम आकार दा है, आकारा उत्ते वस्तुआं उत्ते, जे मान लो दुनिया के पदार्थ है ये भी एक वस्तुआ ही है ना, मन उत्थे चलिया गया हुण आ छड्डी दूजी नूं देखण लग गया तीजी नूं देखण लग गया। महाराज कहिंदे जिन्हां वस्तुआ नूं मन देखदा ना तेरे कोलों बाहर जाके बिरती दे विच्चों बाहर जाके, तां तूं मन नूं ये निश्चा कराया कर मना ये वस्तुआ मिथ्या नाशवंत है ये झूठियां, क्यों इन्हां दे उत्ते तूं लगा होया, ये सदा नहीं रहण वालियां, नाशवंत नाल कादा प्यार है, झूठी वस्तु नाल कादा प्यार है, जिहड़ी कोले नहीं रहनी उहदे नाल मोह कादा करना, कादा प्यार करना उहदे नाल। महाराज कहिंदे इस तरह मन नूं समझाओ, मन नूं अंदरों ज्ञान दी ये सिक्ख्या दिओ कि हे मना ये सारियां मिथ्या वस्तुआं हन नाशवंत हन जिहड़ियां तूं देख देख के परचदा है। संत भाई सेवादास जी नूं भाई कन्हैया जी ने उन्होंने हिरदे का फुरना बुझ के सारी गल जदों दसी ना, वो भाई कन्हैया जी नूं कहन लगे महाराज तुसीं अंतरजामी हो, सारे फुरने बुझ लेंदे हो चंगे माड़े, मैं नहीं तुहाडे कोले रहना। कहिंदे जे तू 500 को भी इत्थों चलिया जावेंगा फिर कहड़ा असीं बुझ नहीं सकते, सानू फिर भी पता लग ही जाना भी तू की चितवदा। कहिंदे मन की गति इन्नी तेज है, बंदूक की गोली भी इन्नी तेज नहीं, हवा का वेग भी इन्ना तेज नहीं, आकाशी बिजली भी इन्नी तेज नहीं, सूरज दियाँ किरणा भी इन्नी तेजी नाल धरती ते नहीं डिगदियाँ जिन्ना मन इन्हां सारिया वस्तुआ नालों तेज है, इन्ना चंचल है, इन्नी तेज रफ्तार है मन की। सकिंट तो बाद दे विच गुजरदा, अमरीका विच पहला चलिया जांदा मन, अफरीका विच पहला चलिया जांदा, ये मन की इन्नी तीबर गति है। सो महाराज कहिंदे मन नूं ये जिन्नियां वस्तुआं दे उत्ते मन जा रहा ना भी उधर लगता नाम नूं छड्ड के भगती नूं सेवा नूं दौड़दा फिरदा ना मन, कदे किते ये मन शक्ति ये मन सीओ ये मन पंच तत् को जियो ये मन लो जो उन मन रह तो तीन लोग की बात है कहे, मन शक्ति का भी खजाना जे एकाग्र हो जाए फिर तो वड्डी शक्ति होर कोई नहीं है। सो कहिंदे इनू मिथ्या वस्तुआं दिखा दिखा के इनू रोकना भी ना भाई तू उधर ना लागे, तेरे पास सदा नहीं रहन वालियां हन।
बहुर मोर कर शब्द मिलावो, उथों मोड़िया करो, मोड़ मोड़ के फिर शब्द विच जोड़ लिया करो। इनू निध्यासन कहा जाता है, मन बार बार मोड़ना, यह निध्यासन की अवस्था है। जपजी साहब चार पौड़ियाँ सरबण दियाँ, चार पौड़ियाँ मनण दियाँ, पंच प्रवान वाली एक पौड़ी निध्यासन की है। ये साधना दी भी मन जिहड़ा बाहर जा रहे नूं बार बार मोड़ के गुर शब्द विच लाउणा है। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचै बुरियाइयां, गुर शब्दी ओह मन होड़ी है। गुर शब्द नाल होड़ना, मोड़ना, रोकना, इउं इस मन नूं गुर शब्द विच जोड़ लैणा, फिर ध्यान उत्थे, फिर उत्थे निकलदा, फिर मोड़ मोड़ के बार बार ध्यान कि उत्थे शब्द विच वाहिगुरू कहा तां वाहिगुरू सुणो, मूल मंत्र कहा मूल मंत्र विच। इहदा इक होर सुखैन साधन है, महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी तो पुछया सी भी मन छेती एकागर किवें होवे। महापुरख कहिंदे पहला गुरबाणी शुद्ध होवे, दूजा गुरबाणी दा अभ्यास होवे, तीजा गुरबाणी दे अर्थां दा ज्ञान होवे। कहिंदे अर्थ दे विच मन नूं जोड़ दिओ, कहिंदे मन छेती एकागर हो जाएगा। ये बहुत सौखा साधन है, जो गुरबाणी दा भाव अर्थ है उस विच मन नूं जोड़ना, ला देना। इस करके मन नूं गुर शब्द दे विच बार बार मेलना है, मिलाउणा है। जे चल जावे फिर हटावो, जे फिर भी जांदा मुड़ मुड़ के फिर उन्हूं रोको, उस पासे गलत पासे जाण तो मापे रोकदे है ना, भी नहीं जाना इधर, इधर रिजल्ट माड़ा है। मन नूं भी इस तरह समझाउणा, सिख्या देनी है। जिम अरियल अस को असवार, एवें ही अगला दृष्टांत दे रहे। अगला कहिंदे जिवें अड़ियल घोड़ा हुंदा ना, जिहड़ा अड़ियल घोड़े का सवार हुंदा है सियाणा, सना सना तह अगर दिखार, अड़ियल घोड़ा अपनी अड़वाई करदा, अपनी मर्जी नाल चलदा, फिर सियाणा सवार जिहड़ा हुंदा ना, वह घोड़े नूं अगला रस्ता हौली हौली दिखा के मोर बहुर बागन को फेर, बागा खिंच के फिर मोड़दा। क्यों? अड़ियल घोड़ा जिधर नूं मर्जी तुर जांदा ना, असली रस्ते ते पाउण वास्ते, असली सिक्ख्या देण वास्ते, उन्हूं समझाउण वास्ते, पूरा तैयार करन वास्ते कि सवार दे इशारे नूं समझे जानवर, उन्हूं फिर अगे हौली हौली तुर के लै के जांदा, फिर उन्हूं मोड़ के लिआउंदा, फिर मोड़ मोड़ के लिआउंदा, सही रस्ता दिखाउंदा है। फिर फिर निज मर्जी प्रेर, अपनी मर्जी नाल गेड़े दे दे के प्रेरदा, उन्हूं समझाउंदा, सुसिख्यत करदा, उन्हूं सिक्ख्या दिंदा है, भाव उन्हूं तैयार करदा भी अपने सवार दे फुरने नाल चलना। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे घोड़े जिहड़े सन महाराज दे फुरनिआं नाल ही सेवा करदे सन। जदों पुच्छो नगर दे विच घोड़ा महाराज दा गया, प्यास बड़ी लगी सी, बाहरले पासे जल दा तलाब, बड़ा निर्मल शुद्ध जल। हुण तां साध सिंह जी छप्पड़ जिहड़े सी इह साडे पानी दा, निर्मल पानी दा सोमा सन, पिंडां विच पानी जमा कीता जांदा सी बरसातां दा कि पशुआं नूं पियावांगे, घरां विच वरत्या करांगे, ये पानी दे सोमे सन साडे। पर असी की कीता, सारे पिंड दीआं गंदगीआं छप्पड़ां च पाउण लग गए, इन्हां तलावां च पाउण लग गए, ते उहदे भयानक रिजल्ट की है, बीमारियां सानूं ही आ के लग रहीआं। उह जिहड़ी गंदगी हत्थी पाई है ना, वो दोबारा मुड़ मुड़ के उहदा असर साडे उत्ते ही आ रहा, किन्नियां नामुराद बीमारियां सानूं लग रहीआं। पाणियां दे सोमिआं नूं बचाईए, आपां निर्मल रखीए, इन्हां नूं पवित्र रखीए, साफ रखीए भाई। जिहड़े छप्पड़ है उहनां दीआं सफाइयां करीए, उहनूं पक्कियां करके, उहनां दा पाणी फिल्टर दे नाल शुद्ध करके उहनूं साफ रखणा चाहीदा। इह जतन आउण वाले समें 'च करने पैणे आ, नहीं पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई नहीं, बचना नहीं लोगों ने। ये महाराज ने पहले ही सानू सिक्ख्या दिती हुई है, पौन गुरु पानी पिता, पानी नू पिता दा दर्जा महाराज ने गुरु नानक साहब ने दिता। जिवें पिता दा अदब करीदा ना, सत्कार करीदा, महाराज कहिंदे पानी दा इदां सत्कार करिया कर, पानी दा इदां माण करिया कर, पानी दे नाल नजायज ना कर, पानी विच गंदगी ना सिट। बाहरले मुल्कां दा पान पौनी क्यों ठीक है, उत्थे साध संग जी पिंडां दी शहरां दी गंदगी दा एक किणका भी नदियां दरियावां विच नहीं पाया जांदा, एक किणका भी। उहनूं सारे नूं भस्म करन दे, उहनां दे वक्खरे कैमिकल है, कल्ला तुहाडा कसूर नहीं, सरकारां दा भी कसूर है इहदे विच।
सरकारां भी पूरे मदद नहीं कर रही, सरकारां नूं चाहिदा इस बन्ने ध्यान दवे पानी दे सोमियां नूं स्वच्छ करन लई। गंगा सब तो पवित्र नदी मन्नी है हिंदुस्तान दे विच, सारी दुनिया का गंद गंगा विच पाया, दावे करके गंगा नूं साफ कर देंगे, इन्ने सालां विच वोटां लै लिया, राज भी कर लिया, तो गंगा की गंदगी उत्थे दी उत्थे, भाव नदियां दरियावां दा हाल कीता पिया। असी सरकारां भी ध्यान नहीं दे रही, सरकारां साडी मौत दा कारण बन रही, उन्हां दा वेसलापन भी ते उन्हां दा माया दे लोभ लालच विच ही फसे होए है। और साध संगत जी, जदों किसे दे घर नूं अग लाई है तां अपने घर नूं पहलां लगदी है। इन्हां लोकां ने भी इसे अग विच झुलसना, जे लोकां दा ख्याल नहीं करनगे तां इन्हां ने भी उवें ही मरना जिवें लोकां नूं मार रहे है। इस करके भाई अपनी गलती है, आपां वेसले बहुत हैं, आवाज़ नहीं उठाते, उठ के तकड़े हो के नहीं तुरदे, साडा फर्ज है तकड़े हो के इन्हां गल्लां ते पहरा देईए, पौन पानी नूं स्वच्छ रखिए, ता कि साडा आउण वालियां, चलो जिहड़े पिछे जां हुण वर्तमान समें च तकलीफां नाल आपां जूझ रहे हैं, साडे बच्चे तां ना जूझण, साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं तां आपां बचा लईए जिवें भी बचा सकदे हां, उन्हां दा ही भविख रोशन कर दईए। सियाणे बजुर्गों नूं किसे ने कहना अंब क्यों लाया, तूं कड़ा चूपना, अंब कई सालों बाद फल दिंदा, उन्हें उत्तर देना भलिया मैं नहीं चूपांगा, मेरा पोता चूपेगा, मेरे पड़ोतरे चूपणगे, कोई तो चूपूगा ना, जे मैं लाया ही नहीं तो चूपूगा कौन, मेरे बजुर्गों ने लाया सी मैं चूप रहा, जे मैं लाऊँ अगे मेरे पुत पोतरे चूपणगे। ये परउपकार की भावना का एक सियाने बजुर्गों के संकल्प हुंदा सी, संकल्प पैदा करिए मन विच कि आने वाली पीढ़ियां नूं नस्लां नूं बचाइए। इस करके भाई आपां नूं इस पासे भी ध्यान देना चाहीदा, फेर ने जो मर्जी प्रेर है प्रेरणा देनी, वो घोड़े नूं सिखाउंदा भी गलत पासे ना जा, उन्हूं देखो मैं गल कर रहा सी पुच्चो नगर दे विच, जदों घोड़ा गया घोड़े नूं प्यास लगी, छप्पड़ दा जल इन्ना साफ के शीशे वांगू मूँह दिसदा, पर घोड़ा गोडे गोडे पानी विच जा के वापस मुड़िया, पानी नहीं पीता। सिखां ने महाराज जी नूं कहा, कलगीधर पातशाह नूं, महाराज घोड़े ने पानी क्यों नहीं पीता? महाराज कहिंदे इत्थे दयालदास नगोरा मसंद रहिंदा, नगोरे बंदे दी जूठ आ गई है, इस घर दे विचों चलदी चलदी छप्पड़ विच पानी दी अंश, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਤੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਦ ਲੱਗਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੋੜੇ। ਸੁਰਾ ਵਿਚਾਰ
कहिंदे अपनी मर्जी नाल फिर फेर फेर के उन्हूं तैयार करना, उन्हूं सिखाउणा मोड़ मोड़ के। करह सुधारन हित को दह, बहुत हित प्यार दे दे के, प्यार नाल दे दे के समझा के उन्हूं ऐन सुधार लैंदे, भाव तैयार कर लैंदे सियाणे इस वार घोड़िआं नूं। अरह जै त्रास ताहे उपजै, घोड़ा अड़ जाए फिर उन्हूं डर भी दिखाउंदे आ, डर डरा के उन्हूं ऐन फिर उन्हूं समझा लैंदे हन। इस बिद फेर फेर मन जोर हो, इवें कहिंदे मन नूं भी प्रेम भी करना ते इहनूं ताड़ना भी करनी है, इहनूं मोड़ मोड़ के गुर शब्द विच जोड़ना है। जिवें चंगा सवार घोड़े नूं ऐन चंगी तरह तैयार कर लैंदा, तैयार की करदा अपनी इच्छा नाल अपने फुरने नाल फिर उहदे ते सवारी करके उहनूं चलाउंदा, इवें गुरसिख अपने मन नूं अपनी इच्छा नाल चलाउंदे आ। जे इच्छा आउंदी आ तां फुरना उठाउंदा नहीं, उठदा ही नहीं। ये कृपा गुरमुखां दे उत्ते हुंदी है। शुद्ध होए लह स्वाद ना मोरहो, इस करके भाई जदों मन ऐन शुद्ध हो जांदा ना गुर शब्द दे विच, और शब्द दे रस नूं ऐन माणदा, ते फिर कहिंदे उस नाम रस विच मन नूं लगे रहना, रहण देना, फिर इहनूं पिछे नहीं हटाउणा। कई बारी सिमरन करदिआं मन विच रस आ जाए, उठना नहीं चाहीदा। संत बाबा जरनैल सिंह जी माता साहब देवां जी दे स्थान ते, माता साहब देव कौर जी दे स्थान ते नितनेम कर रहे सन, समाधि विच बैठे। भाई गुरदेव सिंह जी समान वाले ने क्यों घड़ी, जेब घड़ी हाथ ते लाउंदे नहीं सी, संत जेब घड़ियां हुंदियां सी पुराने समें विच, जथे दे सिंघां कोले जेब घड़ी कल्ली संतां कोले सी समा देखण लई। भाई गुरदेव सिंह ने सोचा संतां नूं समा पुछिए किन्ना क है, चुप कर गया भी संत समाधि विच बैठे, अखां नेत्र बंद है। फिर घंटे के बाद हौसला करके जदों आवाज़ मारी ना, संतां ने घड़ी कढ के अगे करती। अमृत वेले दा 2 बजे दा समा सी, जदों संत उठ के बाहर आए, भाई गुरदेव सिंह ने हाथ जोड़ के कहिंदा महापुरखो मेरे तो बहुत अवग्या होई, मैनूं माफ़ कर दिओ। संत कहिंदे भाई गुरदेव सिंह तुहाडी परारब दी अजे इन्नी इहो जी है, उस टाइम मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरणा च अरदास कर रहा सी, मेरा हिरदा जुड़िया होया सी, महाराज ये जिहड़े सारे सिंह 11 मेरे नाल सिमरन कर रहे, इन्हां नूं भी तुसीं प्रतख दर्शन बख्श दिओ, इन्हां नूं भी तुहाडे दर्शन हो जाण। ये मन की एकाग्रता विच जदों कोई गुरमुख बैठा होवे उहनूं उठाउणा नहीं चाहीदा, ते आप भी नहीं उठना चाहीदा। जिन्ना चिर मन रस लै रहा गुर शब्द दा उहनूं जोड़ी रखो, उहनूं हटाओ ना, उहदा होर अभ्यास वधेगा, होर उहदे अंदर तीबरता पैदा होवेगी। सुन गुर ते कीनस बिद तैसे, जो सतगुरु जी तों सुण के उपदेश भाई साईं दास जड़िया ने उमें कमाउणा कीता है। सने सने मन बस होए जैसे, हौले हौले भी मन ये बस विच हो जाए, गुरमुख कर लेंदे आ गुर शब्द दे आसरे भाई। आपा नह जनाए गुर आगे, मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। जदों पूरी कृपा हो जाए फिर गुरु नूं नहीं दसदे फिरना, गुरु दे अगे नहीं चढ़ाउणा, गुरु दे अगे तां पूरी निम्रता ही रखनी है कि इत्थों ही सारियां दातां मिलियां बख्शिशां होईयां। निस दिन रहे सेव मह लागे, रात दिन सेवा विच देखो एडियां एडियां पदवियां नूं पा के गुरसिख सेवा विच लगे रहे। धन बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरख किन्नी कमाई सी, साध संगत जी झट सेवा नूं लगन लग्या ढिल नहीं करदे सन, झाड़ू फेरन लग जांदे, बर्तन मांजन लग जांदे। मैं हैरान रह गया, अमेरिका विच कई सिंघां दे सिर दे विच तेल धक्के नाल कोले बिठा के आप लाउण लग जांदे सन, एडी अवस्था इन्नी निम्रता। अपने तां कई वारी कहिंदे हम ज्ञानी बन गए, हम रागी बन गए, हुण देग हम क्यों बरताएं, असी वड्डे हो गए हैं, असी क्यों भांडे मांजिए, असी क्यों लंगर वरताइए। तन इहो जे सतपुरश गुरमुख आत्मावां जिहड़े परम पद नूं भी पा के सेवा सिमरन नहीं उहनां ने छड्डिया। इस करके महाराज कहिंदे भी रात दिन सेवा विच लगा रहे, रात दिन अभ्यास विच लगा रहे,
नहीं तो यह अवस्था ढिली पै जाती है। श्री गुर अमृतसर माही क्यों सतगुरु जी अमृतसर साहिब दे विच सिखन को उपदेश कराही सिखा नू सेवा सिमरन का उपदेश दे के उन्हां दी कल्याण कर रहे हैं उन्हां दा उधार कर रहे हैं। ये बख्शिश मेरे सतगुरु जी कर रहे हैं। समा अगे जाण दी आग्या नहीं, शाम दे दो दीवान होर रह गए, कल दा ते परसों दा 6 तरीक नू दिन दा शहीदी समागम होएगा। जिन्नियां भी तुसी संगतां आए हो रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद। सारे महापुरखों का आए पतवंतियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर संत बाबा बुद्ध सिंह जी निक्के घूमना वाले महापुरख पहुँचे, मैं उन्हों का दिल दिया गहराइया बहुत बहुत धन्यवाद करना। बाकी श्री मुखबाग तो उपरंत प्रिंसीपल सरदार गुरदीप सिंह जी सारे महापुरखों का पतवंतियों का सन्मान करनगे, आप नाम लैके अगला प्रोग्राम भी दसणगे। आपां हुण कथा की इत्थे समाप्ति करिए। देग लैण तो उपरंत सारिया संगतां ने गुरु का लंगर छक के फिर घरां नूं जाणा, ये बेनतियां आप जी ने प्रवान करनिया, भुल्लां चुक्कां खिमा करनिया। श्री गुर अमृतसर माही सिखन को उपदेश कराही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तूं ठाकुर तुम सगल समगरी तुम रह सुतर तारी तुम ते हो सो नानक दास सदा कुर्बानी तो दया गैर दास हमारी पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निदावै धाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान धर के बोलो जी आप जी दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहबजादे 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाहिग देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सुचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते जड़े तां नारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही तिना प्रातन ते वर्तमान समय दे समूह शहीदां दी पावन पुत्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चिते आवै चितावन का सदका सर्व सुख हुवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियाज देख देख फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा साहिब बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जी समूह गुरद्वारियां गुरधामां दे
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਬੀਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਗਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਜਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਜੰਗੀ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਵਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟ, ਭਾਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਗ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਉਹ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ, ਖੂਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ
राज करेगा खालसा किरह न कुए ख्वार हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो सरदा कर सिम दे गुरपार उतारण जो सरदा कर सिम दे गुरपार उतारण। बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहे आपे आप सलाही तेरे गुण प्रभ तुझ ही माही तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची आपे अलख अथाही बिन गुर दाते कोई ना पाए लाख कोटि जे कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वसिया शब्दे सच सलाही से जान मिले तुर आप मिलाए साची बाणी शब्द सुहाए नानक जन गुण गावे नित साचे गुण गावे है गुणी समाहे मारू महला तीजा। गुरु प्यारी गुरु सत्कारी गुरु साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी ने आप जी नूं वड्डे महापुरखां उन्हां दे संगी साथियां उन्हां श्रोमणी शहीदां जिन्हां ने इस कलकुर हफ्ते शहीदी पाई जनरल सुबेग सिंह आदिक सभनां दा नां दा लवां शॉर्ट समें दे विच उन्हां दे कारनामे उन्हां दे करतब किवें उन्हां दुश्मनां दे दंद खट्टे कीते ये रोंगटे करन वालियां सारियां घटनावां सुनाईयां। महापुरखां ने गुर त्यास वी सुनाया महापुरखां ने अपने कीते वचन मुताबक हमेशा हमेशा सत्कार चा के वल चा के कागर सहित जो गुरु ग्रंथ साहब जी का फरमान है उहदे बारे सब जो फरमान आप जी नूं सुनाए ने मैं सारी सात संगत नूं उस संदर्भ विच किरतार्त उन्हां नूं करदा है जिन्हां ने इन्ना समा इन्ना जोखों भरिया समा जा रहा फिर भी समा उन्हां कढ़िया जेमियां चों। मैं होर अगे चलन तो पहला एक छोटा जिहा बच्चा मिस कर गया वो हुण लभ पिया मापे उन्हां नूं लै गए ने कृपा पूर्वक पहला गल करनी सी मैं।